Uh, शायद वो आई थिंक जो जियो पोलिटिकल टेंशन है वो आपको एकदम पीछे रख रही हैं बट ये ओपनिंग लग कैसे रही है लेवल्स के मुताबिक और लेवल्स टू तो वॉच फॉर द डे क्या होंगे बिल्कुल वीरू देखिए जैसा मैं कह रहा था अगर जियो पॉलिटिकल वाला इशू नहीं हुआ था तो शायद हम खुलते ऑल टाइम हाई पर तो कोई दिक्कत नहीं है चौबीस नौ सौ से चौबीस नौ सौ पचहत्तर ये बाय जोन नहीं है क्योंकि तो यहाँ पर थोड़ी सी रजिस्टेंस है ऑप्शन के हिसाब से और फिर पच्चीस हज़ार पचास से पच्चीस हज़ार एक सौ ऑल टाइम हाई ये मार्केट रिवॉर्ड कर रही है अगर आप पोजीशंस के साथ बने हुए हैं तो ठीक है आप मोमेंटम चेज करेंगे तो दिक्कत होगी इंटरडे में तो अपने पोजीशंस में स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें हम लगातार बीरो पिछले हफ्ते आप छुट्टी पर थे मैं लगातार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा था अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़कर चौबीस पर आ गया हमें चौबीस चार से शुरुआत की थी अब चौबीस तक आ गया वो चौबीस से चौबीस आठ ऑप्शन के हिसाब से और फिर चौबीस से चौबीस मोटा मोटी ये पिछले हफ़्ते के लोस हैं तो बाइंग का जोन होगा अगर आपको मार्केट एक रिएक्शन दे चौबीस से चौबीस पर और चौबीस सात सौ से चौबीस सात सौ पचास पर और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चौबीस छः सौ का सिस्टम में लगा कर ये एक बाई की अप्रोच होगी इंट्राडे में शायद सेल भी वर्कआउट हो जाए लेकिन उसको हम स्क्रीन पर देखेंगे बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आए हैं हम लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है पचास सात सौ अठहत्तर से पचास आठ सौ इकतालीस ट्वेंटी और फिफ्टी और फिर पचास चार सौ से पचास पाँच सौ सॉरी चार्ट रेजिस्टेंस वहीं खुल रहे हैं इक्यावन एक, एक सौ से इक्यावन दो सौ चार्ट के हिसाब से और फिर इक्यावन चार सौ इक्यावन पाँच सौ ऑप्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी भी मैं ये कहूँगा कि ट्रेड्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंट्रा डे लें इक्यावन दो सौ के ऊपर बंद होने शुरू हुए अगर हम बंद होना जरूरी है तब पोजिशनली सोचेंगे बट अदरवाइज मार्केट में इस समय बहुत सारे ट्रेड्स बैंक निफ्टी में आ, इंट्राडे में स्पेशली अनुज एक कमेंट ऑन निफ्टी आईटी आज भी अगर आप देखें तो जो गेनर्स की लिस्ट है उसमें मिथ कैप आई के बिरला सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेपेयर होते हुए आई को कैसे अप्रोच करें स्पेशली इन कमेंट्स के बीच में मतलब जो ब्याज दरों में कटौती की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जाहिर कर देंगे उसके बाद देखिए वीरू आईटी ने आपको बहुत शानदार मौका दिया था आपको याद होगा हमारी डिस्कशन हुई थी इसके करीब दो हफ्ते पहले इसका अगर निफ्टी आईटी का आप चार्ट देखेंगे बहुत बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी दी थी निफ्टी आईटी ने और हमने वो बात करी भी थी कि आपको निफ्टी आईटी में इस समय पोजीशन बनानी चाहिए वहाँ से निफ्टी आईटी में कल छः या सात परसेंट चल चुका है अब इंट्राडे में कुछ भी हो जाए भले एक बार इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट रख दीजिए इंट्राडे में भले कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे लगता है कि आई आज भी चलना चाहिए और उसके अलावा मुझे लगता है कि आई अगले तीन से छः महीने में आउट परफॉर्म ही करेगा और आई थिंक पिछले 12 महीने में भी आई ने आउट परफॉर्म किया आगे भी आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि आई के पास अब दो चीज़ें हैं एक तो वैल्यूएशन बहुत फेवर में आएंगे इनके और दूसरा यूएस एस में अगर रेटकट शुरू होगा तो वो शायद इकॉनमी में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएगा इसके लिए आईटी मुझे लगता है एक और डार्क हाउस जो हो सकता है वो होगा केमिकल स्टॉक्स क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि जगह है अगेन अर्निंग्स काफ़ी ख़राब थी केमिकल स्टॉक्स की लेकिन ये एक स्पेस हो सकती है जो डार्क हाउस बन आ सकती है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है बेसिकली hmm. ओके okay, तो ये है सेटअप निफ्टी निफ्टी बैंक का लेवल्स टू वॉच और निफ्टी आईटी टी पे स्पेशल पर स्पेशली मैंने कमेंट्स लिए यहाँ पर बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में आज करीब करीब अगर आप देखें तो डेढ़ परसेंट ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ ओ एन जी सी में करीब डेढ़ परसेंट का इजाफा है सिक्स ट्वेंटी थ्री और ओरेकल uh, फाइनेंशियल्स मिड कैप आई में ये भी स्टॉक एक्स्ट्रॉन्ग मूव लेके करीब करीब एक सौ ऊपर के केमिकल्स का यहाँ पर उल्लेख किया यू पी एल आई मीन द ओवरसोल स्ट्रक्चर विद इन द केमिकल बास्केट ये करीब करीब आज साढ़े पाँच परसेंट साढ़े पाँच रुपये ऊपर खुलने की तैयारी करता हूँ चलिए अभी एक काम करते हैं सोपने को देखने के चलते हैं बड़ी वॉल पे टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक